आगरा ने जीता है टॉस। चलिए अच्छी बात है कि एआई जीती है तो अब उनके ऊपर है, अब मेरे को कोई अफसोस करने की जरूरत नहीं क्योंकि पिछले दो मैच में हार चुका हूँ। आगरा ने बैटिंग का फैसला किया है, मतलब कि हम आ रहे हैं गेंदबाजी में, करेंगे रन चेज जिसमें पिछले दो बार मैच हार चुके हैं हम लोग। गेंद भाई ऑटोमेटिक डाली गई है, ओ आउट दे दिया पहली गेंद पे भाई ऑटोमेटिक एआई वर्सेस। अबे ये अच्छा रबाड़ा है, मुझे लगा कटली कटली अम्ब्रोस का चेहरा कैसे बदल गया, मतलब ऑटो में आउट कर दिया इनको, तो ऑटो मतलब बल पे आउट करना चाहता हूँ। ओ बहुत तेज पिच है भाई, बहुत तेज पिच है, ध्यान रखना है कि वो भी ना हो। इनसाइड एज कनेक्शन कहीं प्रॉपर नहीं हो रहा, मिडलिंग तो दूर की बात है, सोचे मेरी स्ट्राइक ना आए तो ही अच्छा है क्योंकि जिसकी स्ट्राइक आती है वो पवेलियन जाता है। पॉन्टिंग सीधा शॉट लेना चाह रहे थे, सोच अच्छी थी लेकिन वही बात है कि इस पिच पे रबाड़ा कबाड़ा बना देंगे आपका, कह दो यहाँ पे। एक झटका मैंने दिया और ये आया रायडू का झटके वाला शॉट, स्ट्रेट में मारा, पता था कि रिकी पॉन्टिंग आउट हुए फिर भी वही शॉट लिया। एजिस लगती हैं इस मैच में और लगा है चौका रायडू का, दो गेंदे आठ रन। उधर तलत जो है वो बैटिंग का इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा गैप रहेगा। अपील, ये मुझे पहली गेंद की याद आ गई जो रबाड़ा ने डाला था, थोड़ा सरप्राइज हूँ कि आउट क्यों नहीं दिया। विकेट लेकर अगर एक आध ओवर विकेट ले लेते ना अगर तो टॉप 10 टॉप 12 13 में तो आ जाएंगे, और अब मैं कर नहीं रहा कुछ। और यहाँ पर बीट में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, यहाँ पर विकेट का चांस, फिर से खराब खराब थ्रो यार, वीडियो देखे बिना डिसलाइक करता है। ओ सीधी गेंद कर रहा हूं तो मोस्टली ऑलराउंडर हो तो बहुत अच्छा, यहाँ पर खुद ही हार मान लिया रायडू ने, गलतियां करते 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 फाइनली टक करके यहाँ पर स्टंप्स को हिट कर रहा है LBW का। अपील बहुत लगी है, गेंद नहीं लिया अंबादी रायडू गॉन, इसीलिए कह रहा हूं मैं वीडियो देखो भाई, बाबर आजम कौन सी टीम में। हसन अली का सेशन भाई वो तो डन हो गया, स्ट्रेट में चौका, इसी बीच रन कुछ खास बड़ा नहीं कर पा रहा। और लीजिए जैसे चैलेंज दिया कि कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे, स्ट्रेट में तलत का एक और चौका, अभी भी स्ट्राइक रेट 100 का नहीं हुआ है, 120 फर्स्ट गेंद है, चौका अगर एक और लगा दे, लीजिए डॉट खेल दिया, डाल भी दी गई है पॉइंट पर शॉट, क्लासिक रैना का क्लासिक स्क्वायर का चौका चौका चौका। पेस पे डिपेंड करता है ज्यादातर, और ये मिल गई सफलता, बैकफुट जाना भारी पड़ता हुआ रैना को, इससे पहले स्क्वायर, अरे एम्पायर के सस्ते नशे, किम जोंग उंग नाम है, मतलब ऐसा कुछ भी कहेंगे क्या, कुछ भी गलत डिसीजन देंगे क्या, डी नहीं है, ऐस तो लगी है जी, हम बड़ी ऐस लगी है, एम्पायर की तरफ इशारा होगा, माफी मांग रहे हैं, गले मिलने को कह रहे हैं, मैं बोला गले नहीं मिलना, तू पहले आउट दे बाद में गले मिलूंगा तेरे को। और यहाँ पर जाय रिचर्डसन खुश, ग्राउंड वास को अगली बार चमिंडा वास बार। पुल शॉट स्क्वायर से पुजारा, चीता पुजारा, और ये लगाया चौका, किसी ने सोचा नहीं था कि को पवेलियन भेजो। और ये लगी अपर एज, संगकारा गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, उधर डाइव लगाते हुए हुसैन तलत, अरे बाप रे, ओए ड्रॉप कर दिया, हुसैन तलत का तो नहीं लेकिन पुजारा का, ये तेज गेंदों के साथ, और ये लगा हुसैन तलत का चौका, ये बेहतर शॉट है, स्ट्रेट शॉट लगा रहे थे वो तो, पर स्पिनर का पिच नहीं है ये, कमेंट मुझे अभी भी याद आ रही है कमेंट सेक्शन में से कि स्पिनर का ये पिच नहीं है क्योंकि स्पिनर के पास इतना पेस नहीं होता कि स्लाइड करा। और ये गेंद अंदर की तरफ एज दे के जा रही है तलत को, जहां मैं फील्डिंग सक चेंज नहीं कर रहा हूं और वो हालत और खराब, 22 में 19 हो गया, जरूरत नहीं कि 5 विकेट हॉल ले गए हैं पहले मैच में रियल IPL में, इस वक्त उम्मीद हम स्ट्रगल कर रहे हैं और ये उस स्ट्रगल को थोड़ा सा हेल्प करेगी यहाँ पे, अगर आगरा को ये 6 का शॉट, 5 तो कोई चिंता की बात नहीं है। और ये स्टंप्स पे लग जा लग जा लग जा लग जा लग जा, अबे रन ले रहे हैं रन ले रहे हैं, अरे रन, गुड लेंथ गेंद, और भाई चैनल का नाम ही इन वीडियो लाइव है तो इतनी उम्मीद कर सकते हो आप। पुजारा का चौका एक और, आज मैं बहुत बार बोल रहा हूँ का लगता है तो चौके का मतलब नहीं रह जाता, आउट होंगे, रन आउट पैर हवा में होगा शायद शायद, थर्ड एम्पायर के पास जाता हुआ डिसीजन, पैर घसीट के लाए होंगे तो बच जाएंगे, घसीट के नहीं लाए होंगे उठाया होगा, हाँ हवा में है, अब एक्चुअली दिखा नहीं है क्लियर लेकिन मेरे हिसाब से आउट होगा, यहाँ पर नॉट आउट आया है, 6 भी मारेंगे तो भी 100 का स्ट्राइक रेट नहीं होगा। और यहाँ पर बड़ी एज और पवेलियन अगली गेंद पे, तो घूम फिर कर जहां पर इससे पहले आउट हो सकते थे एक गेंद एक्स्ट्रा बिगाड़ कर गई है। संगकारा यहाँ पर कीपिंग में थे, तलत को भेजा पवेलियन, और अगर रशीद इस पिच पर भी विकेट कैच, और फिर से वही स्टंपिंग का चांस, फिर से वही स्टंपिंग का चांस, ये पिच स्पिनर फ्रेंडली नहीं है सबको पता है, लेकिन कीपर के रिएक्शन पे डिपेंड करता है ये विकेट मिले, घसीटने वाली हालत, नॉट आउट, मुझे पता था मैं आउट बोलूंगा तो नॉट आउट आएगा, इस बार नॉट आउट बोला तो आउट आ गया लेटर पर। और यहां पर
आगरा में से कैच तो है कि गिर गया पहले, नॉट आउट आया। गेंदबाजी में आ गए स्पिनर पे यहाँ पर फोकस करते हुए, पहली गेंद रन ले रहे हैं, मिस फील्डिंग रबाडा। अरे यार खेल रो, फुटबॉल ही खेल लो तुम। जयपुर वर्सेस आगरा का अपील, स्टंप पे नहीं जा रही, ऑफसाइड जा रहा है, इंपैक्ट। तो मैं खाता ही नहीं खोल पाए, T10 मैच, 10वां ओवर, 9वां ओवर चल रहा है। अरे यार ओवर थ्रो के रन दे रहे हैं, यही होना बाकी था यार। तेज आ रहा है और आप देख सकते हो अब स्पिनर फ्रेंडली हो गया है, और आप पुजारा को दूसरा गेंद मिला यहाँ पर, उस पर चौका लगा दिया है। काश इन्होंने जो पिछली 12 गेंदों में से सिर्फ 2 गेंदें खेलने को मिली थी, काश वो 8 गेंदें होती तो शायद स्कोर काफ़ी बेहतर होता। अब खेला है कम से कम, मैंने कहा था 80 तो डालने हैं स्कोर कार्ड पे, पर कोई नहीं चला इनकी तरफ से, पुजारा को छोड़ के सब बेकार खेले हैं लगभग। और अब होगा रन चेस, 67 ऑन द पेपर बहुत आसान लग रहा है, लेकिन क्या आगरा सरप्राइज करेगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन है। और पहली गेंद बच गए, मैं तो कैच की उम्मीद लगा के बैठ गया था पर। ओ, 151 का पेस निकल रहा, ये भी तो अच्छा, ओ भाई पैरों पे, ओ भाई साहब मिड विकेट के, अरे मिड सारी गेंदे, ओ भाई साहब एक्स्ट्रा बाउंस, एक्स्ट्रा यहाँ पे टर्न स्विंग तो नहीं है, मैं 2 निकाल लिया यहाँ पर, ये थोड़ी गलती कर दी कीपर को, थोड़ा सा तेज गेंदों में 2 रन लगा दिया है। पुल शॉट, ऊंची गेंद पैरों पे डालना कहाँ का नियम है भाई, गलत गेंद थी, चौका नहीं जाता तो। और ये रिवेंज टाइम है, इस बार बाउंस नहीं मिला गेंद को, बैकफुट पे गए थे। एक तो सबसे बड़ी बात इनका एक्शन ऐसा है ना, बाप रे, डांसिंग स्टंप्स 1 2 3 4 5 बार तो मैंने देखा उस रिप्ले में घूमते हुए गेंद को। क्रिस गेल यहाँ पर 6 में 6 करके आउट, कब तक दुख हुआ मेरे को देख के। और ये तेज गेंदें अभी भी बल्ले पे नहीं आ रही, अमरोस गेंदबाजी में अर्ली खेला है शॉट, फायदा हुआ है इसका सीधा, और देख सकते हैं शॉट अभी भी इतना खास नहीं गया है। गलती कब होती है, ये पहले से तैयार थे, कब से 147 148 डाल रहे थे। खैर मलिंगा इस खिलाड़ी को कब से स्ट्रेट सीधा खेलना चाह रहे थे, ऊंचा फिर से हो गया है गेंद यहाँ पे। मलिंगा को फाइनली सफलता मिलती हुई, मैं फुट शॉट बन जाता है, गिल आउट पास। सामने क्या परफॉर्मेंस देते हैं, कि ड्राइव से शुरुआत और कितना दूर रह के खेल रहे हैं, ये शॉट का रिप्ले आप देखेगा। ये गलत गेंद है और शॉट हमारा बहुत बढ़िया, चौका इस पिच के हिसाब से बढ़िया शॉट, फिर से मिडल पे दे दी भाई। थोड़ा सा रुक के खेलना ही बेहतर है, जल्दबाजी नहीं करना चाहता। तो भाई वो अलग कलर होते हैं, वो आप मिक्स कर, अब ऐसा कहोगे तो रेड कलर हर कपड़े में है, ऐसा कहोगे आप पिंक को भी। आप लाइन लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, शॉट बदला, हाल बदला, रिजल्ट बदला, संगकारा गए पवेलियन, रैना के पास गया था कैच मिड विकेट पे, अभी तक हम लोग स्क्वायर खेल रहे थे। हम मान होगा सामना कर रहे हैं आर्चर का, पावरफुल हिट। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं बता दूं अगर आपके पास 100 रुपये हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपके पास 100 रुपये हो तो बाय कर लेना NPL 2021 पैसे से, प्लेटिनम मत वेस्ट। गेंद, अरे जबरदस्ती अग्रेसिव खेल रहे हो, ड्रॉप हो तो चांस है, बाकी तो गया, पता था भाई ऑलरेडी। यहाँ पर क्या कहते हैं वो, कौन सी कहावत है कि कंगाली में आटा गीला है। अरे यार क्यों जल्दबाजी, गोवा की तारीफ कर रहा हूँ, अब थोड़ी ना ड्रॉप होगा कैच, अबे फिर से ड्रॉप, सर पे लगा छोटे मगज पे, 3 रन। अरे बाप, गया। अबे ओवर थ्रो भी हो रहा है, अरे रे 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 रे। इस बार ग्राउंड शॉट, हिट तो करना चाहता हूँ, 2 छक्के में मैच खत्म करना चाहता हूँ 2 गेंदों पे, पर अभी विकेट बचाओ अपना। अरे रे, इतना अच्छा जा रहा था रन बनने में आउट रन, ये पहली बार सुना मैंने वर्ड भिंडी रोना। अभी के लिए आउट हुए हैं 10 नंबर के खिलाड़ी, 1 एंड ओनली रोस टेलर पवेलियन। हमने ये गलत गेंद है, बहुत सही हाल, फुल लेंथ गेंद दे रहे हैं, कैच का कॉल दे रहे हैं भाई कहां से, ये कर दी गलती। और ये लगाया पांडे ने 6, मेरे ख्याल से आज के मैच के हाईएस्ट स्कोरर बन गए 18 रनों के साथ हमारी टीम में से। विनिंग शॉट पांडे जी ने लगाया है सामने की तरफ छक्का, और इस मैच में दिला दी है जीत गोवा को। वो नहीं कर रहा, लाइक कर देना सब लोग, गोवा जीता है 6 विकेट से, एक आसान मैच, एक आसान जीत, गेंदबाजों ने काम आसान कर दिया था, बैट्समैनों के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं शुरू की 2 ओवर छोड़ के, और जीत आसान से मिलती हुई। सुन सकते हो, मेरे ख्याल से ऑक्शन नहीं करेंगे हम लोग डायरेक्ट, बिना ऑक्शन किए ही हम लोग है ना डायरेक्ट टीम ऑटो बाय कर देंगे। तो मेरे ख्याल से हैदराबाद वर्सेस बेंगलोर का मैच होने वाला है। चलिए गोवा की जीत के साथ आगे बढ़ते हैं, रैंकिंग दिखाते हैं आपको, नई रैंकिंग क्या आई है।